दादाजी और बुआ जा रहे हैं। चलो आप भी जाओगे? आप भी चलो जाओगे? चलो धड़ा धड़। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी बज रहे हैं 10:30, 11 का टाइम हो रहा है। और मैं जा रही हूँ थोड़ा सब्जी लेने एंड कैंटीन जा रही हूँ। सो बाय टाइटल आप लोग समझ ही गए होंगे, आज पापा और रेखा जा रहे हैं। तो आफ्टर 1 मंथ छोटू जा रही है, तो थोड़ा सा गंदा लग रहा है क्योंकि पहली बार ही हमारे यहाँ पर कोई आया था। और तो घर पे एक बार काफ़ी सारे लोग और फिर एकदम से सब चले जाते, घर काफ़ी खाली खाली लगने लग जाता है ना। तो थोड़ा सा गंदा लग रहा है मुझे कि वो लोग जा रहे हैं। पापा तो चलो कोई बात नहीं, मिल जाते। मैं सोच रही थी वो रुक जाती तो थोड़ा सही था, बट उनने बोला मुझे भी जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं। अभी मैं जा रही हूँ, मुझे बैग में चेन लगवानी है, कैंटीन जाना है, घर के लिए थोड़ा सामान भेजना है। आधा सामान कल ले लिया था, अभी थोड़ा सा और लेना है। एंड मुझे सब्जी वगैरह भी लानी शाम के लिए उनके, तो उनकी है 10 बजे की ट्रेन। तो थोड़ा तेज़ तेज़ जा रही हूँ ना, इसीलिए थोड़ा सा सांस फूल रहा है। एंड ये देखो, पता नहीं मेरे फेस पे तो दाने क्यों हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये वो भी राइट साइड ओनली, पता नहीं क्या हो रखा है, लेफ्ट साइड कुछ भी नहीं हो रहा है, इतना बड़ा हो रखा है पिम्पल। तो मैंने कुछ भी नहीं लगा रखा फेस पे, भी जस्ट पानी से वॉश किया हुआ है। सो चलिए गेट से बाहर चलते हैं एंड मास्क प्रॉपर, फिर मिलती हूँ। इतनी महान हूँ, बाहर चली गई और अपना कार्ड ले जाना भूल गई, डिपेंडेंट। फिर मैंने फ़ोन किया लेकिन मैं आ गई थी अंदर, पापा लेके आए, पर्स भी भूल गई, कैंटीन जाना है और बिना पैसे वगैरह के बिना कार्ड के जा रखी हूँ। जैसे मेरे दादा बैठे होंगे उधर, ले आई हूँ मैं सब्जी। सब्जी में बस आलू और टमाटर लेके आई हूँ, अभी मुझे भारी लग रहा है। अब मैं कैंटीन जाती हूँ, कैंटीन से सामान लेके आती हूँ। अंदर तो वैसे भी ऐसे कैमरा वैमरा आ लाऊंगी, मतलब वीडियो वगैरह बनाना। सो चलते हैं सामान ला के। तो घर आने के बाद मैंने ना साथ ही दूध उबालने रख लिया है भगोने में, कितनी बार तो ये दूध ऐसे ही चले जाता है। और साथ ही साथ मैं आज गाजर को हलवा बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पर गाजर छिल रही हूँ। और देखो कितना बड़ा गाजर लेके आए थे, डी के पापा लेके आए थे। तो कितने दिन से सोच रही थी कि पापा लोगों के लिए ना गाजर का हलवा बनाओ। एक दिन पहले बनाया था जब अजय थे यहाँ पर, तो सोच रही थी कि पापा लोगों के लिए भी बनाऊँ, तो आज वही कर रही हूँ क्योंकि उन लोगों को जाना भी। तो सोचा थोड़ा सा टिफ़िन में भी रख दूँगी, मोस्टली वैसे ही बना रही हूँ, मतलब उनके टिफ़िन में रखने के लिए, ताकि रास्ते में वो लोग आराम से खाए, क्योंकि थोड़ा ठंडा ही अच्छा लगता है मुझे तो गाजर का हलवा। तो उसके बाद ना मम्मी का फ़ोन भी आ गया था, मैं मम्मी से बात करते करते ना फिर इनको कद्दूकस करने लगी थी। लेकिन ये वाला जो कद्दूकस है ना, इसमें बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, इससे अच्छा तो छोटा वाला अच्छा था, छोटे वाले से तो बहुत ही अच्छे से हो जा रहा था। फिर यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा करने के बाद छोड़ दिया और साथ ही साथ मम्मी से गप्पे चल रही, क्योंकि आजकल मुझे मम्मी को फ़ोन करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। बिल्कुल भी नहीं बोले तो बिल्कुल भी नहीं, जैसे कि मैं मम्मी से बहुत सारी बातें करती हूँ ना, हमारा लेकिन इस टाइम पे घर से बहुत सारे लोग आए हुए थे तो टाइम नहीं मिल पाता था क्योंकि खाना वगैरह करना ही करना वहाँ। फिर मैंने यहाँ पे छोटू को पकड़ा था गाजर वहाँ से फोन लेने के लिए। और देखते हैं आज, क्योंकि कल भाभी ने, जो मेरी न्यू फ्रेंड है प्रीति भाभी ने, अच्छे से बहुत अच्छे अच्छे सूट थे ना उनके पास, कल देखा था मैंने। तो मैंने अभी छोटू को बताया, तो क्या पता मैंने सोचा चलो हम भी ले लेते अगर अच्छे लगेंगे तो। वो देखो ये उसकी बुआ, वो आ जल्दी आ जल्दी, आ पीछे ही रहेगी। अभी गाजर का हलवा नहीं बन रखा है, बस कद्दूकस किया है दोनों, थोड़ा सा मैंने कभी बाकी छोटू ने कर लिया था। अभी भाभी आई नहीं है, चलते हैं। और अभी 3 बजने वाला है मुझे आने के बाद, फिर रात का खाना भी बनाना है और गाजर का हलवा बनाने में टाइम लग जाता है। तो चलते हैं, दिखाती हूँ आप लोगों को शॉप पे मैं सूट वगैरह। बेटा सीधे सुनो, हम यहाँ जा रहे हैं पुचकू। आ गई भाभी और यूवी। तो शॉपिंग करने के बाद अभी ना हम लोगों ने यहाँ पे, मैंने गाजर, हम दोनों ने गाजर पहले ही कस कर लिया था,
तो जाने से पहले नहीं बनाया मैंने क्योंकि इतना टाइम नहीं था। गाजर का हलवा बनने में तो काफ़ी टाइम से होता है, तो इसमें घी डाल दिया है, घी मैंने थोड़ा और ज़्यादा डाला इसमें, फिर इसमें मैंने गाजर डाल दिया है, गाजर काफ़ी ज़्यादा था तो आज तो फिर मैंने हमने कस नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। और थोड़ा सा इसमें खोया डालूँगी और थोड़ा सा दूध, क्योंकि दोनों हैं हमारे पास। लेकिन मैंने सोचा पापा को चाय नहीं दी है तो अब चाय बना लेती हूँ गाजर का हलवा बनते बनते। और आज बहुत सारा खाना बनाना है क्योंकि रास्ते के लिए भी बनाना है, ट्रेन में आजकल खाने का तो है नहीं सिस्टम, तो एटलीस्ट 2-3 टाइम के लिए तो खाना बनाना है यहाँ पे। और मैंने ना घर से इतनी बड़ी बॉटल में घी लेके आई थी तो ये पूरा काट दिया है, और एक और लेके आई थी जो कि आपको दिखेगा अभी ऊपर पे, तो सामान कुछ ऐसे ही फैल रखा है। तो ये वाली बॉटल है 2 kg की है, 3 kg यानी कि 5 kg तो मम्मी ने घी दिया था मेरी, और ये मेरी सासू मैंने सारा अचार वगैरह दिया। और ये देखो छोटा बैग रेडी है, यहाँ पर अदरक डाल चाय वाला कुर्ता, तो साथ ही साथ ना उन लोगों की पैकिंग भी चल रखी है। ये रेडी है, बाकी सामान वामान हमने यहीं से लिया कैंटीन वेंटीन का। और ये देखो सदमे वाली लड़की, और मैंने क्या लिया है मैं बताती हूँ, आज तो मुझे मार पड़नी घर आके। तो मैंने लिया है, बाद में दिखाऊंगी किसी दिन अच्छे से खोल के, एक साड़ी और एक कुर्ता, जब सिलवाऊंगी तब दिखाती हूँ। बचने वाला है अभी जस्ट जाके मेरा वीडियो अपलोड हुआ है जो मैंने मॉर्निंग से एडिट कर रही थी, तो जस्ट अब जाके पब्लिक कर रखा, पता नहीं कैसे भूल जाएंगे इसमें, वैसे भी आजकल तो आ भी नहीं रहे हैं। एंड गाजर का हलवा बन रहा है, इसमें खोया और थोड़ा सा दूध डाल के आ गई हूँ मैं, और थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है मुझे, पापा जाके जाने का उतना बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि छोटे के साथ आदत हो गई थी यहाँ पे, तो थोड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि कल से फिर हम लोग अकेले हो जाएंगे। आज तक अभी ऐसी फीलिंग नहीं थी यहाँ पे कोई हमारे साथ रहता था या ऐसा कुछ, बुरा लग रहा है मतलब थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हम लोग कल से सुनसानी हो जाएगी, ऐसा फीलिंग हो रहा है। और इतने दिन ये लोग यहाँ रहे ना, बाबू को एक भी दिन टाइम नहीं मिला ताकि इन लोगों के साथ अच्छे से हम लोग बैठें खाएं पिए आराम से, मतलब तसल्ली वाली एक भी दिन था। सैटरडे मिला नहीं, संडे मिलता था तो एक दिन हम लोग उसमें भी इन लोगों को घुमाने, क्योंकि बेचारे 2-3 दिन तो घूम रखे हैं गिन चुन के, पापा को तो एक ही दिन में कितना हमने घुमाया, लेकिन वो मज़ा नहीं आता ना एक दिन में, अगर हम पूरा घूमते तो थोड़ा थोड़ा करके जाएँ तो अच्छा लगता है। अभी तक देखो बाबू आए नहीं, पता नहीं कब आएंगे, 5 बज चुका है और बजने में सिर्फ 4-5 मिनट बाकी है, वही है फिर आए अभी थोड़े महंगे चाय वाय फिर खाना, और फिर हम देखते हैं इनको रेलवे स्टेशन छोड़ने जाएंगे या फिर गाड़ी इधर ही बुलाएंगे, जैसा भी होगा हम मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। और बड़ा गंदा सा लग रहा है मुझे तो आज, पता नहीं आज तो चलो ठीक है, कल मतलब फिर बाबू की कल ड्यूटी आ जाएगी, कल की रात फिर हमने अकेले ही रहना है, अभी तक तो साथ था तो अभी, क्योंकि इस बार घर गए तो इधर उधर गए सब लोगों के साथ, फिर घर पे भी सबके साथ आदत हो गई थी, फिर यहाँ आए तो 1 महीने से ये लोग साथ में थे, अब कल से फिर बस अकेले। तो चलिए इसको देखते हैं इससे क्या हाल है। मेरी शाम की तैयारी भी होने लगी खाने की, तो मैंने काटी अरबी, मम्मी ने घर से भेजी थी, और इसमें छोटा सा एक मूंगी काट रखा है, और बाकी रास्ते के लिए मैंने यहाँ पे आलू बॉईल कर रखे हैं, तो इनको मैं लास्ट में बनाऊँगी जाने के टाइम पे। एंड गाजर का हलवा आल्सो मतलब लास्ट स्टेज पे, मतलब पकने ही वाला है, पक ही गया है लेकिन बस ये सोखना बाकी है, जिसमें दूध और खोया है वो करना बाकी है। एंड मैं लगी हूँ काम पे, सोच रही हूँ प्याज टमाटर काट देती हूँ क्योंकि जो अरबी की सब्ज़ी बना दूँगी बब्बू आएंगे तो उसे दही मंगा दूँगी थोड़ा सा। एंड मेरा जैसा भी ब्लॉग डाला है प्लीज़ देख लेना गाइस, आजकल मन भी नहीं करता है क्योंकि बहुत कम व्यूज़ आते हैं अकॉर्डिंग टू सब्सक्राइबर, बहुत कम व्यूज़ आने लगे हैं, बट मेरा ही नहीं सबके साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि मैं देखती हूँ ना जिनके बहुत सारे लाखों में व्यू हूँ। एक्चुअली मुझे 1 सेकेंड पर ऐसा लगा कि डी उठ गई है, तो डी सोई हुई है, और आज तो मैंने पतिदेव को चुना, पतिदेव को मतलब बहुत मैं इतना महंगा खरीदती हूँ मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, तो हमने साड़ी वाड़ी कुर्ते वुर्ते ले लिए थे, बट छोटू के लिए तो मुझे लेना ही था क्योंकि कोई हमें ढंग की शॉप नहीं मिली थी, फिर भाभी ने बताया तो हम बोला चलो ले लेते हैं क्योंकि वो पहली बार ही आई हैं, बट एक चीज़ का अफसोस है कि हम पापा के लिए कुछ नहीं ले पाए, टाइम ही ऐसा हो रखा है कि अब देखो 6 बजने वाले हैं बब्बू अभी तक नहीं आए हैं, अभी आएंगे फिर ऊपर जाने का टाइम हो जाता है, इस बार वो बिल्कुल भी पहली बार हमारी फैमिली आई और पहली बार किसी को मतलब बिल्कुल भी टाइम हुआ छी क्या बोलूँ।
मेरी और छोटी की यहाँ पे लास्ट गोलगप्पा पार्टी है। घर पे खाना बना के लेकिन हम लोग गोलगप्पे खाने आ गए यहाँ पे। और इसको देखो, हाय बाय, सुबह के साथ लास्ट गोलगप्पा पार्टी इधर, फिर घर जाके खाएंगे। भैया जल्दी कर दो। तो पापा और छोटू तैयार हो गए हैं, अब जाने का टाइम हो गया है, 9 बज गए हैं और हम भी जा रहे हैं रेलवे स्टेशन तक, क्योंकि डी तो फिर रहेगी नहीं, तो हम लोग उधर ही जा रहे हैं अभी। रुको उनको आने तो दो, और फोन लेने गए हैं बाबू। दादाजी और बुआ जा रहे हैं, चलो आप भी जाओगे, आप भी जाओगे, चलो। और हमारा किचन का हॉल कुछ ऐसा है। भी पहनो, लो लो बुआ से पहना मांग। घर जाना है, पहना दो, जाने है घर। तो फाइनली आप जा रहे हो, मुझे जाना था ना, छोड़ दो। अमन ने छुप, लो इधर देखो। बोलो दड़ा दाड़ उल मार वाला। दड़ा दाड़ तो यहाँ पे अब ट्रेन निकलने ही वाली है, और जब कोई जाता है ना घर से तो बहुत बुरा लगता है। वैसे भी हमारा तो ये पहला एक्सपीरियंस कह सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे कोई आया नहीं था। जब भी घर से आते थे तो बुरा लगता था, लेकिन इतना नहीं लगता है ना। लेकिन अभी इतने लोग आए थे, एकदम से घर खाली हो गया, तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। और इसको भी कहीं ना कहीं समझ में आ रहा था कि ये लोग जा रहे हैं, मैं अकेले रह जाऊँगी वो। और देखो, तो अभी ना हम लोग वेट करते हैं कि ट्रेन जाए, फिर हम लोग जाएंगे। एडिट कर रही हूँ ना, इसके गाने चल रहे हैं अभी, बोल रही है पता नहीं क्या क्या, तो आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा इसकी आवाज़। और देखो अभी छोटू बैठ, पापा और छोटू बैठ गए हैं ट्रेन में। तो यहाँ पे 10 बजे ट्रेन चल चुकी है, और गाइस कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताएं। अपनी नेक्स्ट ब्लॉग में 10 लोग हो चुके हैं।